ताजपुर थाना थाना इतनी दूर में सामने महर्षि चवन का मंदिर और ये समाधि है। इस तरफ ये सामने कुंड बना हुआ है स्नान करने के लिए, ये इस तरफ है और ये मंदिर। अंधेरा हो चुका है और ये कुंड बता रहा था मैं आपको इस तरफ और इस तरफ सीढ़ी लगा। पहले ये कच्चा रहा होगा कभी, अभी ये पक्का कर दिया गया। और इस तरफ एक कुआ है। प्राय हम मोस्टली जगह पे जाते हैं मंदिरों में, तो हमें तालाब या कुआ हमेशा के मंदिरों में देखने को मिलेगा। ये इस तरफ कुआ और सामने ये पुराना भवन, सबसे जो प्राचीन भवन बता रहे हैं। और एक वो सामने महादेव का मंदिर है, वह भी प्राचीन इमारत है। इधर ये कुआ। और तो दोस्तों आज रात हो चुकी है और आज यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर विश्राम करेंगे इस हरे भरे पहाड़ी के मध्य में जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। बहुत ही सुंदर शीतल हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली, शांति, शीतल हवा बहती हुई। और मंदिर में सामने पूजा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उस तरफ सूर्य का प्रकाश डालने के बाद थोड़ा इस तरफ पहाड़ी और चारों तरफ पहाड़ियाँ। सामने विवेक जी। डोसी की पहाड़ी, रात्रि विश्राम डोसी की पहाड़ी पर। चारों तरफ बिल्कुल शांत वातावरण। सूर्य उदय होता हुआ। चारों तरफ हरियाली और शांति। विवेक जी, कंदरा बनाई हुई है। तो आज डोसी धाम पर नवीन जी हमें दिखाएंगे कि घायल होने के उपरांत भी शीर्षासन कैसे किया जाता है।
महर्षि चवन का मंदिर जो कि नई इमारत है, लगभग 122 साल पुरानी। और इस तरफ ये कुंड है और यहाँ पर है ये चंद्रकूप। और आगे भी कुछ प्राचीन इमारत है। ये सबसे प्राचीन इमारत जो है वो ये है यहाँ की। तो इसके अंदर एक मंदिर है महर्षि चवन का ही, और यहाँ के जो महंत है वो यहाँ पर रहते हैं, उनका भी विश्राम गृह। तो यहाँ पर अंदर चलते हैं अभी। मुख्य द्वार इस तरफ मंदिर, इस तरफ पेड़ ही पेड़ उद्यान। और मंदिर का प्रवेश, यहाँ पर संत जी की चित्र और ऊपर लदाओ की छत। प्राय हमें पुरानी इमारतों में इसी तरह की लदाओ की छत देखने को मिलती है। और ये प्रतिमा भगवान शिव, साथ में माता पार्वती और गणेश। इससे आगे चलने पर, और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर तीन द्वार बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। इस द्वार से निकलने के बाद में यहाँ पर ब्रह्मस्थान, और यहाँ पर भी चारों दिशाओं में तीन तीन द्वार, सामने भी 3 द्वार और इस तरफ भी 3 द्वार।
उसके बाद में एक गर्भगृह के बिल्कुल सामने एक बरामदा, और उसमें भी जो छत है वो लदाव की छत है, और दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे, इस तरफ भी, यहाँ पर इस तरफ भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा, और सामने है भगवान जो महर्षि चवन हुए हैं उनकी प्रतिमा, सामने महर्षि चवन और पीछे भी महर्षि चवन की प्रतिमा है, और साथ में उनकी जो पत्नी हैं धर्म पत्नी सुकन्या देवी सरती राजा सरती की सुपुत्री, और पीछे हैं राधा कृष्ण की प्रतिमा, और सामने इसके जो गर्भगृह के साथ से यहाँ पर परिक्रमा मार्ग दिया गया है, और लदाव की छत इसको बोलते हैं। लदाव की छत ये तो नहीं है शायद, छोटे जैसे इसमें छत का हिस्सा लदा होगा, ये कौन सी छत है? ये लदाव की दे जाएगी। वैसे ये एक तरह से ये भी है ना आर्च, छोटा सा मॉडल, थोड़ा सा मॉडल है लेकिन मिलती जुलती, और परिक्रमा के चारों तरफ लदाव की छत। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लगभग 1000 वर्ष या उससे भी ज़्यादा इसको मंदिर को का निर्माण हुए हो चुके हैं, और यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमाएं, स्तंभ देखिए, ये देखिए आप वेग जी आप दिखाने वाले हैं कुछ, ये जो स्तंभ है यहाँ पर दो दो स्तंभों का यूज किया गया है, एक ही पत्थर है, हाँ एक ही पत्थर को बीच से काट कर उस पर कलाकृति की गई है, पुष्प की कलाकृति। ये सामने गर्भगृह के बिल्कुल सामने, तो जो ये भवन के बारे में बता रहा था, ये 1000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है भवन, इसका निर्माण कार्य इसको हो चुके 1000 वर्ष। तो ये महर्षि चवन की तपोस्थली रही है, और यहाँ पर उनका मंदिर का निर्माण कराया गया है। महर्षि चवन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने यहाँ पर च्यवनप्राश नामक अवलेह का निर्माण किया था, जिसका सेवन करके वो पुनः युवा हो गए थे। और एक उस तरफ सामने हम यहाँ से निकलेंगे तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक नया भवन बनाया गया है, नया मंदिर। चलिए यहाँ से यहाँ पर ये धोनी, ये मंदिर के बाहरी दर्शन, महंत जी, सामने जो भवन दिखाई दे रहा है वो नया भवन है, नया मंदिर है, जिसका निर्माण कार्य कुछ वर्ष पहले, लगभग 120-122 वर्ष पहले हुआ है। वहाँ पर भी चलेंगे, उससे पहले इस तरफ कुछ प्राचीन इमारतें और शिवालय हैं। सामने ऊपर मनसा देवी मंदिर, जहाँ पर पिछली बार यात्रा के दौरान हमने वहाँ की यात्रा की थी, दर्शन किए थे माता के। इस बार पैर पर में कुछ चोट की वजह से वहाँ पर जाने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया है, तो अभी के लिए इसी मंदिर में और सामने शिवालय में और सामने जो नया भवन है वहीं पर हम यात्रा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सामने भगवान शिव का मंदिर, और ये पेड़, ये शायद कैर का पेड़ है जिससे हम देसी भाषा में टीट बोलते हैं।
यह मंदिर वैसे कुल भूषण भूषण होना चाहिए। भगवान शिव का शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा और उन पर अभिषेक हो रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं। यहाँ पर ये भगवान शिव और कार्तिकेय और अंदर भी एक छोटा सा कक्ष है। यहाँ पर एक छोटा सा हवन कुंड बनाया गया है और भगवान की शिव भगवान शिव पार्वती गणेश की प्रतिमा। और बाहर कक्ष में जो इसका मेन गर्भगृह है, इसे ऊपर से देखते हैं तो एक सर्कुलर गुम्बद है। और यहाँ पर ये भगवान हनुमान जी और इधर भी ये प्रतिमा है, शायद ये ब्रह्मा जी और माता पार्वती की प्रतिमा। इसके चारों तरफ परिक्रमा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लदाव की छत डाली गई है और यहाँ से चलते हैं तो ये परिक्रमा है। ये जो अभिषेक का जल है उसको निकलने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये परिक्रमा नहीं है, ये कक्ष है और दूसरी तरफ भी शायद एक सी लग रहा है, उसको देखते हैं। तीन कक्ष, मध्य में भगवान शिव के प्रतिमा स्थापित की गई है और साइड में दोनों जगह पे कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर भी एक कक्ष है, यहाँ पर प्रतिमा इसकी परिक्रमा के लिए मार्ग नहीं बनाया गया। यहाँ पर इस तरफ भगवान जो हनुमान है उनकी प्रतिमा और चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक कुछ इसके बारे में वर्णन दिया गया है, मंदिर के बारे में जानकारी। इसका निर्माण वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। अब यहाँ पर गाय माता विचरती हुई, चलिए जो नया भवन है उस तरफ चलते हैं। सामने उस तरफ पुरानी इमारत, पुराना जो मंदिर है जिसका जो निर्माण है वो लगभग 1000 वर्ष पूर्व से भी पुराना है और इस तरफ ये नया निर्माण है जिसका निर्माण कार्य 1893 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1898 ईस्वी में इसका जो निर्माण कार्य है वो समाप्त हो चुका था और 98 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया। तो नए भवन में चलते हैं अंदर। नया भवन ये जिसके अंदर महर्षि च्यवन का मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर मुख्य द्वार पर मंदिर श्री च्यवन ऋषि जी महाराज। और हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि साइड में स्तंभ और ये जिसको हम सोची बोलते हैं बैठने के लिए, और इससे द्वार से अंदर जाने पर एक कक्ष है। यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो ये बहुत इस ये जो
छत है, इसको लदाव की छत कहा जाता है। और इससे अंदर जाने पर सामने ब्रह्म स्थान, सामने तीन द्वार, इस तरफ भी तीन द्वार हैं और सीधे हाथ में पर भी तीन द्वार, इस तरफ भी तीन द्वार हैं लेकिन साइड के दो दीवारों पर बाद में मॉडिफिकेशन किया गया है। शायद ये लोहे की जो एंगल से, लोहे की एंगल है या पत्थर की है, ये क्लोज हैं द्वार। यहाँ पर दरवाजे लगाए गए हैं, उस तरफ पत्थर की जो चौखट है और इस तरफ ही एंगल है लोहे की एंगल। और सामने ब्रह्मस्थान मंदिर का, और उसके सामने एक छोटा सा कक्ष है बरामदा। मंदिर में श्री महर्षि च्यवन और इनकी धर्मपत्नी सुकन्या और साथ में राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी है, गणेश जी और भगवान परशुराम और एक अन्य संत उनकी प्रतिमा। महर्षि च्यवन की जो धर्मपत्नी है सुकन्या, ये उसी राजा की सुपुत्री हैं जो इस पहाड़ी पर घूमने के लिए आए थे, राजा सरयाते की सुपुत्री। और यहाँ पर जो परिक्रमा है, यहाँ पर जो हमारे महान ऋषि, जो हमारे महान वंशज हुए हैं उनका जीवन परिचय, यहाँ पर महर्षि भृगु जिनका जन्म वैशाख के शुक्ल पूर्णिमा को हुआ है और ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। आगे जो है वो है महर्षि च्यवन हमारे आराध्य हैं, और इनके पिता का नाम वरुणी और माता का नाम पुलोमा और इनकी पत्नी का नाम सुकन्या, राजा सरयाते की पुत्री, यहाँ पर भी परिचय दिया गया है। और इन्होंने च्यवनप्राश नामक एक आयुर्वेदिक औषधि बनाया था इसी पहाड़ियों के जड़ी बूटियों से, जिनके सेवन से वो व्रत से पुनः युवा बन गए थे। और यहाँ पर है हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम, ये हमारे जो दस अवतार हैं उनके अंदर इनका वर्णन किया गया और आगे परिचय दिया गया है। जो संत चरणदास जी, ये यहाँ पर संत हुए हैं, प्रातपद की शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था संवत 1760 में। और इनकी जो एक शिष्या हुई थी उनका भी यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया, सहजो भाई इनके गुरु हुए हैं संत चरणदास जी। और इनकी सहजो भाई के भी शिष्य हुए हैं, 8 शिष्य हुए हैं और 2 शिष्या भी हुई है। और ये संत जो चरणदास जी हैं जिनका अभी पहले जीवन परिचय था, उनकी बुआ की पुत्री ये थी सहजो भाई। और यहाँ पर हमारे अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जी, जिनका जन्म जो है अश्विनी के माह के शुक्ल पक्ष की विजयदशमी को हुआ है और ये संवत 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म अलवर के समीप एक माछेड़ी ग्राम है वहाँ पर हुआ था, बाद में ये व्यापार करते थे तो रिवाड़ी में आकर इन्होंने अपना नया स्थान आश्रय बनाया था। इनके पिता जो थे राय पुरंदास जी वो राजपुरोहित थे और इन्होंने 22 युद्ध जीते हैं अपने जीवन में। और इनका जो अंतिम युद्ध था वो पानीपत का दिखते युद्ध जिसे हम कहते हैं, जिनमें एक तीर के लगने से आँख में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो अंतिम हिंदू सम्राट थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हेमू के नाम से जिन्हें हम जानते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो हमारे हिंदू सम्राट थे। और यहाँ पर जो ये भवन है, नया भवन, इसके निर्माण के विषय में जानकारी, और
यहाँ से परिक्रमा से निकलने के बाद में इस तरफ भी एक द्वार है, ऊपर जाली का कार्य, और यहाँ पर भी लदाव की छत जहाँ पर ये लदाव की छत है, पूरे भवन में ही सेम ऐसी लदाव की छत है। और ये छत पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि जो पुराना कार्य है यहाँ पर शायद पेंटिंग कुछ की गई है और उसके ऊपर ये दोबारा रिपेयरमेंट के लिए चून इसे या पेंट किया गया था जो अभी उखड़ चुका है। और तो ये नया भवन है इस पहाड़ी पर, ये इस भवन का ब्रह्म स्थान है और इसके साइड में भी यहाँ पर कक्ष बनाए गए हैं। और जो हमारे निर्माण शैली है तीन द्वार, हमें कभी भी दो द्वार देखने को नहीं मिलेंगे, या तो एक मिलेगा या तीन मिलेंगे। ये देखिए तीन द्वार आपको हर स्थान पर, ब्रह्म स्थान में भी चारों तरफ, इस तरफ भी तीन द्वार हैं, सामने भी और यहाँ पर भी तीन द्वार हैं। और अंदर के जो कक्ष हैं वहाँ पर भी। तो ये हमारी निर्माण शैली थी जिसके आधार पर हम भवन का निर्माण करते थे। ये देखिए तो ये नया भवन है महर्षि चवन का मंदिर, जिसका निर्माण कार्य लगभग 120 से 123 वर्ष पूर्व का है। और ये ऊपर मंदिर का गर्भगृह का गुंबद, काफ़ी शांत स्थान है और शुद्ध वायु और जड़ी बूटियाँ से भरपूर ये स्थान है। और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर किले का निर्माण किया गया था, जिसकी सीढ़ियाँ बाहर दीवारें हमने देखी। एक दिवस यात्री विश्राम दोसी की पहाड़ी पर, और अब वापस प्रस्थान।